शरद पवार ने मारी पलटी या खुद ही बनाई थी पिक्चर, क्लाइमैक्स आ गया खुलकर। लो फडणवीस जी, पिक्चर का क्लाइमैक्स खुल गया, सुराग मिल गया। आपका कहना सही है कि कलाकार भी अंदर के हैं, पटकथा भी अंदर की है, लेकिन यह कैसे छुपाएंगे कि पिक्चर में गब्बर तो रामगढ़ के बाहर से ही आया था। शरद पवार इज बैक या कहने वाले से कोई पूछे कि वो गए कब थे। आते जाते और दौड़ते भागते तो घोड़े हैं, सारथी तो बस बैठ कर रथ हाँकता है, लगाम लगाता है। खेल रचाने वाला ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, बस इधर उधर झांकता है कि उसका घोड़ा दाएं बाएं तो नहीं भागता। वो तय करता है कि पिक्चर कहाँ शुरू होगी, कहाँ होगा इंटरवल और कहाँ क्लाइमैक्स आने वाला है। शरद पवार ने ही एनसीपी में पिछले 4 दिनों से खेल रचाया था। अजीत पवार और कुछ लोग तो रायता फैला रहे थे, शरद पवार बड़ी सफाई से उसे समेट रहे थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनसीपी के अंदर की पिक्चर थी, कलाकार अंदर के थे, सारी स्क्रिप्ट अंदर ही लिखी गई। जब तक इस पिक्चर का कोई क्लाइमैक्स समझ नहीं आ रहा था तब तक इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं, पर अगर यह पिक्चर अंदरूनी थी तो बिना गब्बर के शोले कैसे बनी। रामगढ़ में कोई तो होगा जो बाहर से आया होगा, चलो गब्बर नहीं तो मोगैम्बो ही सही, लेकिन यहाँ गब्बर के आने से हुआ यही कि रामगढ़ वाले एक हो गए। महाविकास आघाड़ी की गाड़ी चल पड़ी, टूटने से बच गई एनसीपी। न आधे इधर न आधे उधर थे, सारे के सारे वहाँ शरद पवार जिधर थे। अंजलि दमानिया की प्रतिक्रिया गौर करने वाली है। उनका कहना है कि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में जाने वाले थे, शरद पवार ने जो पिक्चर बनाई उस शोले का जो असरानी जेलर का किरदार है वो छोटे साहब का है। याद कीजिए जब बड़े साहब इस्तीफा दे रहे थे तो छोटे साहब अंग्रेजों के जमाने के जेलर की तरह सबको हाँके जा रहे थे, उंगलियां नचा रहे थे, कह रहे थे होता है जो हो जाने दो। उस जेलर ने आज पीछे मुड़कर देखा तो आधे ना इधर थे ना आधे उधर थे, उनके पीछे बचा ही नहीं था कोई, सारे के सारे थे वहाँ, शरद पवार थे जहाँ। आज अजीत पवार का साथ तो प्रफुल्ल भाई भी छोड़ गए। जो 53 चुने गए हैं सब है शरद पवार की कमाई, अजीत पवार को याद आई। शरद पवार से कौन पंगा लेगा भाई, भूल गए। आज जो एनसीपी के 53 विधायक चुने गए हैं वे सब के सब शरद पवार की ही कमाई है, बाकी सारे तो इतने घोटाले कर चुके थे कि एनसीपी की लोकप्रियता खाई में समाई थी। तभी एक रैली में शरद पवार बारिश में भीग गए और इमोशनल माहौल बनाकर एनसीपी के ये 53 विधायक जीत गए। एक बार फिर पार्टी में बगावत की बू आने लगी थी, शरद पवार के कानों में एक धुन बजती जा रही थी, जूबी डूबी पंपार, खेल शिवसेना जैसा रचा जा रहा। पवार को समझ लिया था क्या क्रम, कूद पड़े वे कहकर आ देखे जरा किसमें कितना है दम। पिछले 4 दिनों में एनसीपी को उन्होंने एक बार फिर खाई से ऊंचाई पर ला खड़ा किया, देखकर उनका ये काम सब कह रहे हैं 82 साल के बुजुर्ग या 28 साल के जवान।